दोस्तों Realme 24th ऑफ अप्रैल को इंडियन मार्केट में अपने एक और नए स्मार्टफोन Realme Narzo 70X 5G को लॉन्च करने वाला है। और आप एक बार इसके हाइलाइटिंग फीचर को सुनो। यहाँ पर जो आपको इस बार Narzo 70X 5G में अंडर 12,045 वॉट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा। ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात आगे मैं अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको 12,000 रुपये के अंदर एक 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, और वो भी एक 5G फोन होने वाला है। पता नहीं Realme ये कैसे कर रही है। खैर, इसके सच्चाई के बारे में बात करूंगा कि यार क्या कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है Realme Narzo 70X 5G के बारे में, इसकी प्राइसिंग क्या कुछ होगी, हमें इस स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और इस स्मार्टफोन के पीछे की सच्चाई क्या है वो ही बताऊंगा। तो बस आप सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे Realme Narzo 70X 5G का जो है एक बार स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको 6.72 इंच का एक फुल HD प्लस वाला एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहाँ पे जो आपको 120 हर्ट्ज का हाइयर रिफ्रेश रेट लगा दिया जाएगा। ध्यान से सुना आपने, यहाँ पे आपको एक जो 120 हर्ट्ज का फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। 12,000 रुपये के अंदर 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले देना, वो भी 5G स्मार्टफोन के साथ में। लिटरली आज तक किसी कंपनी ने ऐसा नहीं करा है कि 5G स्मार्टफोन भी हो, 12,000 के अंदर प्राइसिंग हो और 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले भी हो, किसी कंपनी ने नहीं करा है। और यहाँ पर रियली Realme ने बहुत तगड़ा काम कर दिया है। अगर ये सच होता है तो सच कैसे होता है, क्यों मैं ये बोला आगे वीडियो में बताऊंगा। सामने की तरफ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो कि पंचोली स्टाइलिंग के साथ में आता है। बैक की तरफ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा एंड सेकेंडरी कैमरा, बस 2 मेगापिक्सल ऐसे ही लगा दिया जाएगा। एंड प्राइमरी कैमरा में कोई भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता है। जिस प्राइस पर उस प्राइस पर हम उम्मीद वगैरह भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है। एंड यहाँ पर जो आपको 45W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको MediaTek की तरफ से Dimensity 6100 प्लस 5G चिपसेट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे Dimensity 6100 प्लस वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा। एंड ये चिपसेट है, ये 5G मॉडम को सपोर्ट करता है, जिसके कारण ये स्मार्टफोन जो है 5G बन जाता है। ध्यान से सुना आपने, 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, 45W फास्ट चार्जिंग, ऊपर से 5G स्मार्टफोन है और अंडर 12,000 भी लॉन्च होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले यूज करा जा रहा है, तो यहाँ पे तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन देना चाहिए। तो अंडर 12,000 इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन भी हमें देखने को शायद मिल सकता है, अगर कंपनी कॉस्ट कटिंग नहीं करती है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन देना चाहिए। अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन होगा या फिर नहीं, बट हाँ इन डिस्प्ले या फिर साइड माउंटेड दोनों में सबको एक तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, एंड डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, डुअल स्पीकर भी देखने को मिल जाएगा। एंड ये स्मार्टफोन जो आपको एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। तो ये रही कुछ स्पेक्स की कहानी यहाँ पे Realme Narzo 70X 5G की। दोस्तों मैंने आपको स्पेक्स बताएं, ठीक है, अगर आप मानकर चलो यहाँ से हम एमोलेड डिस्प्ले के जगह पे IPS LCD पैनल लगा देते हैं, तो क्या ये Realme 12X 5G नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना, बिल्कुल। और जैसे ये स्पेक्स टीज कर रही है, जिस तरीके से टीज कर रही है, अमेजन के ऊपर लिस्ट है, Realme इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट पे लिस्ट है, ये क्लियरली पता चल रहा है कि Realme 12X 5G का रीब्रांडेड स्मार्टफोन होने वाला है। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये जाता है कि यहाँ पे हमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। बट क्या ये जो एमोलेड डिस्प्ले है कहीं किसी ग्लिच से, कहीं गलती से तो अमेजन इंडिया के वेबसाइट पर तो नहीं मेंशन करा जा चुका है? क्योंकि देखो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं भाई, 12,000 रुपये के अंदर एक 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड कर देना, फिर आपका Realme P1 कोई क्यों परचेज करेगा? Realme P1 फिर पिट जाएगा, बिल्कुल पिट जाएगा। तो 12,000 रुपये के अंदर अगर इसको लेकर चली जाती है, जैसे एमोलेड डिस्प्ले बता रहे हैं, सिर्फ जो स्पेक्स है वही प्रोवाइड कर दे और एमोलेड डिस्प्ले भी वहां पे लगा दे, फिर सारे स्मार्टफोन को ये खा जाएगी ना 12-13,000 के प्राइस रेंज को। तो देखो मुझे जहां तक लग रहा है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, ये जो एमोलेड डिस्प्ले है ये गलती से मेंशन हो चुका है। वहां पे क्लियरली मेंशन है 120 हर्ट्ज एमोलेड। और देखो ये जो एमोलेड मेंशन है ना, ये Realme इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं नहीं है, ये है Amazon इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन करा हुआ कि 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बट ये कैसे पॉसिबल है? खैर, इनका जो प्रमोशनल पोस्टर वगैरह जो सामने से निकल कर आता है, वहीं पे वहाँ पे भी कहीं पे भी 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले को मेंशन ही नहीं कर रहा। आप खुद बताओ मुझे, 12,000 के अंदर कोई स्मार्टफोन कंपनी लॉन्च करेगी और एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करेगी, तो क्या उसको जोरों शोरों से प्रमोट नहीं करेगी? सिर्फ यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है 45W के फास्ट चार्जिंग को।
तो यहाँ पे मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, ये जो 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले ये ग्लिच है, ये नहीं होने वाला है। बट अगर ऐसा हो जाता है तो लिटरली काफ़ी किलर काम कर देगी रियलमी, और 12,000 के अंदर जितने भी स्मार्टफोन मार्केट है, 13,000 के अंदर सारे स्मार्टफोन मार्केट को खा जाएगी ये। खैर प्राइसिंग का बात करो तो इसका जो बेस वेरियंट है आपको देखने को मिल जाएगा 4GB रैम प्लस 128GB, उम्मीद किया जा सकता है यही देखने को मिलेगा 4+128, जिसकी प्राइसिंग 12,000 रुपये आपको देखने को मिल सकती है। सेम रियलमी 12X 5G वाला प्राइसिंग यहाँ पे चेपेगी कंपनी बिल्कुल, क्योंकि क्लियरली मेंशन है कि 12,000 के अंदर देखने को मिलेगा। खैर जब ये स्मार्टफोन 24 अप्रैल को ऑफिशियली इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, देन यहाँ से आपको फ्रैंक ओपिनियन देखने को मिल जाएगा कि आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ यही सब इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था रियलमी नार्जो 70X 5G से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय।